मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, भारत ड्रोन महोत्सव में देश भर से जुटे सभी अतिथिगण, यहां उपस्थित अन्य महानुभाव देवी और सज्जनों, आप सभी को भारत ड्रोन महोत्सव इस आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देख रहा हूं कि सभी वरिष्ठ लोग यहां मेरे सामने बैठे हैं। मुझे आने में विलंब हो गया। विलंब इसलिए नहीं हुआ कि मैं देर से आया, यहां तो मैं समय पर आ गया था, लेकिन ये ड्रोन की जो प्रदर्शनी लगी है उसे देखने में मेरा मन ऐसा लग गया कि मेरा समय का ध्यान नहीं रहा। इतना लेट आया फिर भी मैं मुश्किल से 10% चीजों को देख पाया और मैं इतना प्रभावित हुआ। अच्छा होता मेरे पास समय होता, मैं पूरा एक एक स्टॉल पे जाता, हर नौजवानों ने जो काम किया है उसको देखता, उनकी कथा सुनता। सब तो नहीं कर पाया, लेकिन जो भी मैं कर पाया मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, मैं सरकार के भी सभी विभागों से आग्रह करूंगा कि आपके अलग अलग स्तर के जितने अधिकारी हैं जो पॉलिसी मेकिंग में जिनका रोल रहता है, वे जरूर 2-3 घंटे यहां निकालें, एक एक चीज को समझने की कोशिश करें। यहां उनको टेक्नोलॉजी को देखने को मिलेगा और उनको अपने दफ्तर में ये पता चलेगा कि ये टेक्नोलॉजी अपने यहां ऐसे उपयोग में हो सकती है। यानी गवर्नेंस में भी अनेक ऐसे इनिशिएटिव हैं जो हम इसके आधार पर चला सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा आज, और भारत के नौजवान और मैं हैरान, खुशी इस बात की होती थी कि जिन जिन स्टॉल पे गया तो वो बड़े गर्व से कहता था, साहब ये मेक इन इंडिया है, ये सब हमने बनाया है। साथियों, इस महोत्सव में देश के अलग अलग हिस्सों से आए हमारे किसान भाई बहन भी हैं, ड्रोन इंजीनियर भी हैं, स्टार्टअप्स भी हैं, विभिन्न कंपनियों के लीडर्स भी यहां मौजूद हैं। और 2 दिनों में यहां हजारों लोग इस महोत्सव का हिस्सा बनने वाले हैं, मुझे पक्का विश्वास है। और अभी मैं एक तो मैंने प्रदर्शनी भी देखी, लेकिन जो एक्चुअली ड्रोन के साथ अपना कामकाज चलाते हैं और उसमें कई युवा किसानों से मुझे मिलने का मौका मिला जो खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। मैं उन युवा इंजीनियर से भी मिला जो ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज 150 ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट भी यहां दिए गए हैं। मैं इन सभी ड्रोन पायलट्स को और इस काम में जुड़े हुए सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस
और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। ये भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, ये उत्सव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि नए भारत की, नए गवर्नेंस का, नए प्रयोगों के प्रति अभूतपूर्व पॉजिटिविटी का भी उत्सव है। संयोग से 8 वर्ष पहले यही वो समय था जब भारत में हमने सुशासन के नए मंत्रों को लागू करने की शुरुआत की थी। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के रास्ते पर चलते हुए ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमने प्राथमिकता बनाया। हमने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र को सरकार से कनेक्ट करने का रास्ता चुना। देश में सुविधाओं का, पहुंच का, डिलीवरी का एक जो डिवाइड हमें अनुभव होता था, उसके लिए हमने आधुनिक टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया, उसे एक महत्वपूर्ण ब्रिज के रूप में व्यवस्था का हिस्सा बनाया। जिस टेक्नोलॉजी तक देश के एक बहुत छोटे से वर्ग की पहुंच थी, हमारे यहां मान लिया गया टेक्नोलॉजी अनेक बड़े रईस लोगों का कारोबार है, सामान्य मानव की जिंदगी में उसका कोई स्थान नहीं है। उस पूरी मानसिकता को बदल करके हमने टेक्नोलॉजी को सर्वजन के लिए सुलभ करने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं और आगे भी उठाने वाले हैं। साथियों, जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो हमने देखा है हमारे यहां कुछ लोग टेक्नोलॉजी का डर दिखाकर उसे नकारने का प्रयास भी करते हैं। ये टेक्नोलॉजी आएगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अब ये बात सही है कि एक जमाने में पूरे शहर में एक टावर हुआ करता था, उसकी घड़ी के घंटे बजते थे और गांव का समय तय होता था। तब किसने सोचा था कि हर गले हर एक की कलाई पे घड़ी लगेगी? तो जो परिवर्तन आया होगा तो उनको भी अजूबा लगा होगा, और आज भी कुछ लोग होंगे जिनको मन करता होगा हम भी गांव में एक टावर बना दें और वहां भी एक बड़ी घड़ी लगा दें। किसी जमाने में उपयोगी होगा। यानी जो बदलाव होता है उस बदलाव के साथ हमें अपने को बदलना, व्यवस्थाओं को बदलना, तभी प्रगति संभव होती है। हमने हाल ही में कोरोना वैक्सीन के दौरान भी बहुत अनुभव किया है। पहले की सरकारों के समय टेक्नोलॉजी को प्रॉब्लम का हिस्सा समझा गया, उसको एंटी पुअर साबित करने की कोशिशें भी हुई। इस कारण 2014 से पहले गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर एक प्रकार से उदासीनता का ही वातावरण रहा। किसी ने इक्के दुक्के व्यक्ति ने अपनी रुचि के अनुसार कर लिया तो कर लिया, व्यवस्था का स्वभाव नहीं बना। इसका सबसे अधिक नुकसान देश के गरीब को हुआ है, देश के वंचित को हुआ है, देश के मिडिल क्लास को हुआ है, और जो एस्पिरेशंस के जज्बे से भरे हुए लोग थे उनको निराशा की गर्त में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा है। साथियों, हम इस बात का इनकार नहीं करते कि नई टेक्नोलॉजी डिस्रप्शन लाती है,
वो नए माध्यम खोजती हैं, वो नए अध्याय लिखती हैं, वो नए रास्ते नई व्यवस्था भी बनाती हैं। हम सभी ने वो दौर देखा है कि जीवन से जुड़े कितने ही आसान विषयों को कितना मुश्किल बना दिया गया था। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने बचपन में राशन की दुकान पर अनाज के लिए, केरोसिन के लिए, चीनी के लिए लाइन लगाई होगी, लेकिन एक समय ऐसा था कि घंटों इसी काम में लाइन में लगे हुए गुजर जाते थे। और मुझे तो अपना बचपन याद है कि हमेशा एक डर रहता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा नंबर आने तक अनाज खत्म हो जाएगा, दुकान बंद होने का समय तो नहीं हो जाएगा। ये डर 7-8 साल पहले हर गरीब के जीवन में रहा ही रहा हो, लेकिन मुझे संतोष है कि आज टेक्नोलॉजी की मदद से हमने इस डर को समाप्त कर दिया है। अब लोगों में एक भरोसा है कि जो उनके हक का है वो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। टेक्नोलॉजी ने लास्ट माइल डिलीवरी को सुनिश्चित करने में, सैचुरेशन के विजन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद की है। और मैं जानता हूं कि हम इसी गति से आगे बढ़कर अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बीते 7-8 वर्षों का अनुभव मेरा विश्वास और मजबूत करता है, मेरा भरोसा बढ़ता जा रहा है। जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति जेम, इस ट्रिनिटी की वजह से आज हम देश भर में पूरी पारदर्शिता के साथ गरीब को उसके हक की चीजें, जैसे राशन जैसी बातें, हम पहुंचा पा रहे हैं। इस महामारी के दौरान भी हमने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया है। साथियों, ये हमारे टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन की करेक्टली डिजाइन करने, एफिशिएंटली डेवलप करने और प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने की शक्ति है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान सफलता से चला रहा है। आज देश ने जो रोबोट्स यूपीआई फ्रेमवर्क डेवलप किया है, उसकी मदद से लाखों करोड़ रुपए गरीब के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर हो रहे हैं। महिलाओं को, किसानों को, विद्यार्थियों को अब सीधे सरकार से मदद मिल रही है। 21वीं सदी के नए भारत में, युवा भारत में, हमने देश को नई स्ट्रेंथ देने के लिए, स्पीड और स्केल देने के लिए टेक्नोलॉजी को अहम टूल बनाया है। आज हम टेक्नोलॉजी से जुड़े सही सॉल्यूशन डेवलप कर रहे हैं और उनको स्केल अप करने का कौशल भी हमने विकसित किया है। देश में ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन, गुड गवर्नेंस के, ईज ऑफ लिविंग के इसी कमिटमेंट को आगे बढ़ाने का एक और माध्यम है। ड्रोन के रूप में हमारे पास एक और ऐसा स्मार्ट टूल आ गया है जो बहुत जल्द सामान्य से सामान्य भारतीय के जीवन का हिस्सा बनने जा रहा है। हमारे शहर हो या फिर देश के दूर दराज गांव देहात वाले इलाके, खेत के मैदान हो या फिर खेल के मैदान, डिफेंस से जुड़े कार्य हो या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, हर जगह ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ने वाला है। इसी तरह टूरिज्म सेक्टर हो, मीडिया हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, ड्रोन इन क्षेत्रों में क्वालिटी और कंटेंट दोनों को बढ़ाने में मदद करेगा। अभी जितना इस्तेमाल हो रहा है ड्रोन का, उससे कहीं ज्यादा इस्तेमाल हम आने वाले दिनों में देखने वाले हैं। मैं सरकार में हर महीने एक प्रगति कार्यक्रम चलाता हूं, सभी राज्यों के मुख्य सचिव स्क्रीन पर होते हैं टीवी के,
और अनेक विषयों की चर्चा होती है और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि ड्रोन से जो प्रोजेक्ट चल रहा है मुझे वहां का पूरा लाइव डेमोंस्ट्रेशन दीजिए, तो मैं बड़ी आसानी से चीजों को कोरिलेट करके वहां निर्णय करने की सुविधा बढ़ जाती है। जब केदारनाथ का पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ, अब हर बार तो मेरे लिए केदारनाथ जाना मुश्किल था, तो मैं रेगुलरली केदारनाथ में कैसे काम चल रहा है, कितनी तेज गति से, तो वहां से ड्रोन के द्वारा रेगुलर मेरे दफ्तर में बैठ करके उसकी जब भी रिव्यू मीटिंग होती थी तो मैं ड्रोन की मदद से केदारनाथ के डेवलपमेंट के काम को रेगुलर मॉनिटर करता था। यानी आज सरकारी कामों की क्वालिटी को भी देखना है तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। साथियों, गांव में भी किसान के जीवन को आधुनिक सुविधाजनक अधिक संपन्न बनाने में भी ड्रोन टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। आज गांवों में अच्छी सड़कें पहुंची हैं, बिजली पानी पहुंचा है, ऑप्टिकल फाइबर पहुंच रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, लेकिन फिर भी गांव में जमीन से जुड़े, खेती से जुड़े अधिकतर काम के लिए पुराने सिस्टम से काम चलाना पड़ता है। उस पुराने सिस्टम में हर प्रकार का वेस्टेज है, परेशानियां भी बहुत है और प्रोडक्टिविटी तो पता नहीं तय ही नहीं कर पाते, कुछ हुआ कि नहीं हुआ। इसका सबसे अधिक नुकसान हमारे गांव के लोगों को होता है, हमारे किसानों को होता है और उसमें भी ज्यादा हमारे छोटे किसानों को होता है। छोटे किसान की जमीन और उसके संसाधन इतने नहीं होते कि वो विवादों को चुनौती दे पाए और कोर्ट कचहरी के अंदर चक्कर काट पाए। अब देखिए, लैंड रिकॉर्ड से लेकर सूखा, बाढ़, राहत में फसल के डैमेज तक हर जगह रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारियों पर ही व्यवस्था निर्भर है। ह्यूमन इंटरफेस जितना अधिक है उतना ही अधिक भरोसे की भी कमी हो जाती है और उसी में तो विवाद पैदा होते हैं। विवाद होते हैं तो समय और धन की बर्बादी भी होती है। इंसान के अंदाजे से आकलन होते हैं तो उतना सटीक अंदाजा भी नहीं लग पाता। इन सारी मुश्किलों से पार पाने का ड्रोन अपने आप में एक सशक्त, प्रभावी माध्यम के रूप में एक नया टूल हमारे सामने आया है। साथियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी कैसे एक बड़ी क्रांति का आधार बन रही है, इसका एक उदाहरण पीएम स्वामित्व योजना भी है। इस योजना के तहत पहली बार देश के गांवों की हर प्रॉपर्टी की डिजिटल मैपिंग की जा रही है, डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड लोगों को दिए जा रहे हैं। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम हुआ है और भेदभाव की गुंजाइश खत्म हुई है। इसमें बड़ी भूमिका ड्रोन की रही है। थोड़ी देर पहले मुझे भी स्वामित्व ड्रोन उड़ाने का, उसकी टेक्नोलॉजी समझने का अवसर मिला है। थोड़ी देर उसके कारण भी शायद लग गई। मुझे खुशी है कि ड्रोन की मदद से अभी तक देश में लगभग 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड जनरेट हो चुके हैं और जिसको ये कार्ड मिल गया है उसको संतोष है कि हां, मेरे पास मेरा जितनी जमीन है मेरे पास सही डिटेल मिल गई। पूरे संतोष के साथ उन्होंने इस बात को कहा है, वरना हमारे यहां अगर छोटी सी जगह की नाप नपाई भी होती है तो उसमें सहमति बनाने के लिए सालों साल लग जाते हैं। साथियों, आज हम देख रहे हैं कि हमारे किसान ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं, उनमें एक उत्साह दिख रहा है, वो इसे अपनाने के लिए तैयार है। ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये इसलिए है
क्योंकि पिछले 7-8 साल में जिस तरह कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया गया है, उस वजह से टेक्नोलॉजी किसानों के लिए हवा नहीं रह गई है। और एक बार किसान उसको देखता है, थोड़ा अपने हिसाब से उसका लेखा जोखा कर लेता है, और अगर उसका विश्वास बैठ गया तो स्वीकार करने में देर नहीं करता है। अभी मैं बाहर जब किसानों से बात कर रहा था तो मध्य प्रदेश के एक इंजीनियर मुझे बता रहे थे कि मुझे तो लोग अब ड्रोन वाला करके ही बुलाते, बोले मैं इंजीनियर हुआ लेकिन अब तो मेरी पहचान ड्रोन वाले की हो गई है। उन्होंने मुझे कहा कि साहब देखिए, मैंने उनको कहा कि आप क्या भविष्य क्या देखते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा साहब देखिए, जो पल्सीज मामला है ना हमारे यहां, उसकी खेती बढ़ेगी, उसमें कारण एक ड्रोन होगा। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा साहब पल्सीज जी खेती होती है तब तो उसकी फसल की ऊंचाई ज्यादा हो जाती है, तो किसान अंदर जाकर के दवाई ववाई के लिए उसका मन नहीं करता है, मैं कहां जाऊंगा, वो छिड़काव करता आधी तो मेरे शरीर पे पड़ती है, और बोले इसलिए उस फसल की तरफ वो जाता ही नहीं है। बोले अब ड्रोन के कारण ऐसी जो फसलें हैं जो मनुष्य की ऊंचाई से भी कभी कभी ऊंची होती है, ड्रोन के कारण उसकी देखभाल, उसकी दवाई का छिड़काव, बोले इतना आसान होने वाला है कि हमारे देश का किसान आसानी से पल्सीज की खेती की तरफ जाएगा। अब ये एक व्यक्ति गांव के अंदर किसानों के साथ जुड़ने के साथ काम करता है तो की चीजें कैसे बदलाव आता है, उसका अनुभव उसका सुनने को मिलता है। साथियों, आज हम जो एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी को लाने का प्रयास किए, सोइल हेल्थ कार्ड, ये अपने आप में हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है। और मैं तो चाहूंगा जैसे ये ड्रोन की सेवाएं हैं, गांव गांव सॉइल टेस्टिंग की लैब बन सकती है, नए रोजगार के क्षेत्र खुल सकते हैं, और किसान अपना हर वर्ष सॉइल टेस्टिंग करा करके तय कर सकता है कि मेरी मिट्टी में ये आवश्यकता है, ये जरूरत है। माइक्रो इरिगेशन, स्प्रिंकलर, ये सारी बातें आधुनिक सिंचाई व्यवस्था का हिस्सा बन रही है। अब देखिए फसल बीमा योजना, अब फसल बीमा योजना के अंदर सबसे बड़ा काम हमारी जीपीएस जैसी तकनीक का उपयोग हो, इनाम जैसी डिजिटल मंडी की व्यवस्था हो, नीम कोटेड यूरिया हो, या फिर टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में पैसा जमा करने की बात हो। बीते 8 साल में जो ये प्रयास हुए हैं उसने किसानों का टेक्नोलॉजी के प्रति भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। आज देश का किसान टेक्नोलॉजी के साथ कहीं ज्यादा कंफर्टेबल है, उसे ज्यादा आसानी से अपना रहा है। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहां अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है, लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। यही नहीं, ड्रोन ये भी पहचानने में सफल होते हैं कि कौन सा पौधा, कौन सा हिस्सा बीमारी से प्रभावित है, और इसलिए वो अंधाधुंध स्प्रे नहीं करता बल्कि स्मार्ट स्प्रे करता है। इससे महंगी दवाओं का खर्च भी बचता है, यानी ड्रोन तकनीक से छोटे किसान को ताकत भी मिलेगी, तेजी भी मिलेगी, और छोटे किसान की तरक्की भी सुनिश्चित होगी। और आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो मेरा भी यही सपना है कि भारत में हर हाथ में स्मार्टफोन हो, हर खेत में ड्रोन हो और हर घर में समृद्धि हो। साथियों, हम देश के गांव गांव में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का नेटवर्क सशक्त कर रहे हैं, टेलीमेडिसिन को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन गांवों में दवाओं और दूसरे सामान की डिलीवरी एक बड़ी चुनौती रही। इसमें भी ड्रोन से डिलीवरी बहुत कम एंड बहुत कम समय में
और तेज गति से डिलीवरी होने की संभावना बनने वाली है। ड्रोन से कोविड वैक्सीन की डिलीवरी से इसका फायदा हमने अनुभव भी किया है। ये दूर सुदूर के आदिवासी पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों तक उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में बहुत मददगार सिद्ध हो सकता है। साथियों, टेक्नोलॉजी का एक और पक्ष है जिस पर मैं आपका ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहता हूं। पहले के समय में टेक्नोलॉजी और उससे हुए इन्वेंशन एलिट क्लास के लिए माने जाते थे। आज हम टेक्नोलॉजी को सबसे पहले मासिस को उपलब्ध करा रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी भी एक उदाहरण है। कुछ महीने पहले तक ड्रोन पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे, हमने बहुत ही कम समय में अधिकतर रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया है। हम पीएलआई जैसी स्कीम के जरिए भारत में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का एक सशक्त इकोसिस्टम बनाने की तरफ भी बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी जब मासिस के बीच में जाती है तो उसके इस्तेमाल की संभावनाएं भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाती है। आज हमारे किसान, हमारे स्टूडेंट, हमारे स्टार्टअप ड्रोन से क्या क्या कर सकते हैं, इसकी नई नई संभावनाओं को तलाशने लगे हुए हैं। ड्रोन अब किसानों के पास जा रहा है, गांव में जा रहा है, तो भविष्य में विभिन्न कार्यों में ज्यादा इस्तेमाल की संभावना भी बढ़ी है। आप देखिएगा, अब शहरों में ही नहीं, गांव देहात में भी ड्रोन के तरह तरह के उपयोग निकलेंगे। हमारे देशवासी इसमें और इनोवेशन करेंगे। मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में ड्रोन टेक्नोलॉजी में और एक्सपेरिमेंट होंगे, इसके नए नए इस्तेमाल होंगे। साथियों, भारत की ऐसी ही संभावनाओं, ऐसी ही स्केल को टैप करने के लिए आज मैं देश और दुनिया के सभी इन्वेस्टर्स को फिर आमंत्रित करता हूं। ये भारत के लिए भी और दुनिया के लिए भी यहां से बेहतरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी के निर्माण का सही समय है। मैं एक्सपर्ट से, टेक्नोलॉजी की दुनिया के लोगों से भी अपील करूंगा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा विस्तार करें, उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर जाएं। मैं देश के सभी युवाओं से भी आह्वान करूंगा कि ड्रोन के क्षेत्र में नए स्टार्टअप्स के लिए भी आगे आए। हम मिलकर ड्रोन टेक के से सामान्य जन को एम्पावर करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। और मुझे विश्वास है अब पुलिस के काम में भी सुरक्षा की दृष्टि से ड्रोन बहुत बड़ी सेवा कर पाएगा। बड़े बड़े जैसे कुंभ मेले जैसे अवसर होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में ड्रोन से मदद मिल सकती है। कहीं ट्रैफिक जाम की समस्याएं हैं, ड्रोन से सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। यानी इतनी आसानी से इन चीजों का उपयोग होने वाला है, हमें इन टेक्नोलॉजी के साथ अपनी व्यवस्थाओं को जोड़ना है। और जितना इन व्यवस्थाओं के साथ जोड़ेंगे, मुझे बराबर याद, मैं आज यहां देख रहा था कि वो ड्रोन से जंगलों में पेड़ उगाने के लिए जो सीड्स हैं उसकी गोली बना करके ऊपर से ड्रॉप करते हैं। जब ड्रोन नहीं था तो मैंने एक प्रयोग किया था, मेरे से सारे देसी प्रयोग होते हैं क्योंकि उस समय तो टेक्नोलॉजी नहीं थी। मैं चाहता था, जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री साहब थे, जो हमारे कुछ पहाड़ है, लोग वहां जाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, तो जरा मुश्किल काम है आशा करना। तो मैंने क्या किया, मैंने जो गैस के गुब्बारे होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, मैंने गैस के गुब्बारे वालों की मदद ली और मैंने कहा कि उस गुब्बारे में सीड्स डाल दीजिए और ये जो पहाड़ी हैं वहां जाकर के गुब्बारे छोड़ दीजिए। गुब्बारे जब नीचे गिरेंगे तो सीड्स फैल जाएंगे और जब आसमान से बारिश आएगी, अपना नसीब होगा, तो उसमें से पेड़ निकल आएगा। आज ड्रोन से वो बड़ी आसानी से हो रहा है, जियो टैगिंग हो रहा है, वो बीज कहां पर गया उसका जियो टैगिंग हो रहा है और वो बीज वृक्ष में परिवर्तित हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका हिसाब किताब किया जा सकता है। यानी एक प्रकार से मानो फॉरेस्ट फायर, हम आसानी से ड्रोन की मदद से
हम मॉनिटर कर सकते हैं, छोटी सी भी घटना नजर आती है हम तुरंत एक्शन ले सकते हैं। यानी कल्पना भार की चीजें हम उसके द्वारा कर सकते हैं, हमारी व्यवस्थाओं को विस्तार कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आज ये ड्रोन महोत्सव जिज्ञासा की दृष्टि से तो अनेकों को काम आएगा ही आएगा, लेकिन जो भी इसको देखेंगे जरूर कुछ नया करने के लिए सोचेंगे, जरूर उसमें परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करेंगे, व्यवस्थाओं में विकसित जोड़ने के लिए प्रयास करेंगे, और अल्टीमेटली हम टेक्नोलॉजी ड्रीवन डिलीवरी हम बहुत तेजी से कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने भारतीय अस्मिता को नया आसमान दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद।